नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज दीपावली है, तो सबसे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों, आज के दिन हम अपने गार्डन का ओवरव्यू देंगे और दिखाएंगे कि आज के दिन हमारे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए गजानिया के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर गजानिया के फ्लावर हमारे गार्डन में खिले हुए हैं। और इस बार तो हमारे गार्डन में पूरी गर्मियों भरी गजानिया के फ्लावर खिले हैं, और अभी तक नर्सरी के ऊपर भी इसके पौध भी नहीं आई है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही, जैसे 10 से 12 दिनों पहले ही हम नर्सरी के ऊपर गए थे, तो तब तक गजानिया के प्लांट की जो है पौध भी नहीं आई थी। और हमारे गार्डन में पूरी गर्मियों से ये फ्लावर खिल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितने सारे खिले हुए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और दोस्तों, इसी के पास ये एक ब्लू कलर के छोटे छोटे से कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। और ये इस इनका मतलब फूलों का यही टाइम है, विंटर सीजन, सॉरी समर सीजन में इसके फ्लावर खिले थे, लेकिन एक दो ही खिलते थे, और अब तो बिल्कुल इसमें फूलों की बहार आ रही है इस वाले प्लांट में। और ये वाइन वाली वैरायटी है, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर छोटे छोटे फ्लावर खिले हुए हैं। और दोस्तों, ये प्लांट कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। और इसी के पास हमारे ये अभी भी ये पोटूला का के फ्लावर खिल रहे हैं। वैसे तो इनकी संख्या अब कम हो गई है, मतलब कम खिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक खिल रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद जब ये बिल्कुल ही खिलना बंद हो जाएंगे, तो इनको हम निकाल देंगे और इनकी जगह विंटर सीजन के जो सीजनेबल प्लांट होते हैं, उनको मतलब हम ग्रो कर देंगे। और दोस्तों, ये हमारे खिले हुए हैं, ये देसी गुलाब है, और ये आप देख सकते हैं टाइगर गुलाब है, डबल कलर है, पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर है ये वाला प्लांट। और जब इसको नर्सरी से लेके आए थे, तो इसमें कली बनी हुई थी, पता भी नहीं था कि भाई इसमें कौन से कलर का फ्लावर आएगा। और इसी के पास ये भी डबल कलर का टाइगर गुलाब लगा हुआ है, इसमें मरून और वाइट का कलर कॉम्बिनेशन है, और बहुत सुंदर प्लांट है, मतलब फ्लावर है, और इसमें ये कलियाँ भी बन रही हैं कई। और कुछ दिनों पहले ही इसको हम नर्सरी से लेके आए हैं। और ये देसी गुलाब है, इसमें भी ये काफ़ी कलियाँ भी बनी हुई हैं, और ये जो है फ्लावर आके ख़त्म भी हो गए हैं, सूख गए हैं। तो दोस्तों, जब इसके फ्लावर आके सूख जाते हैं, तो हमें उनको इस तरह से हटा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम इसको कट करते हैं, तो यहाँ से फिर इसके दो ब्रांच निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांच होती हैं, उतने ही ज़्यादा फ्लावर खिलते हैं। और दोस्तों, ये हमारा मिनिएचर वैरायटी का वाइट कलर का प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर वाइट कलर के इसमें छोटे छोटे फ्लावर आए हुए हैं, और कलियाँ भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। और इस प्लांट को भी हम जैसे पिछली बार नर्सरी गए थे, तो तब लेके आए थे, और इसमें तो पूरी गर्मी हो सर्दी हो, हमेशा ही फ्लावर आते रहते हैं। और इसमें आते हैं येलो कलर के फ्लावर, इसमें ये कलियाँ बनी हुई हैं, और कुछ दिनों पहले ही इसमें फ्लावर भी आके ख़त्म हो गए हैं। और दोस्तों, ये हमारा एक ऑरेंज कलर के फ्लावर, ये मिनिएचर वैरायटी का प्लांट है, इसमें इसी तरह के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, और ये कलियाँ भी बनी हुई हैं, और ये देसी गुलाब लगे हुए हैं, और इनमें कलियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और दोस्तों, ये सभी प्लांट जो देसी वैरायटी के गुलाब हैं, इनको सभी को हमने कटिंग से ही ग्रो किया है। और दोस्तों, एक ये लगा हुआ है हमारा हिबिस्कस का फ्लावर, ये अलग ही कलर है। वैसे तो हमारे पास हिबिस्कस के रेड कलर का है और क्रीम कलर का है, लेकिन ये अलग ही कलर का हिबिस्कस का फ्लावर
खिला हुआ है, और ये रेड कलर वाला भी है ना, हमने कटिंग से लगाया है। ये देसी वैरायटी है, और ये देसी वाले वैरायटी की कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। और आप देख सकते हैं इस वाले पॉट में हमने तीनों कलर की कटिंग लगाई है, एक इसमें पिंक है और इसमें एक वाइट है, एक रेड है, और तीनों आप देख सकते हैं तीनों ही चल गई हैं। हमारी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती हैं, मतलब गुड़हल की कटिंग, और बहुत ही बढ़िया परमानेंट प्लांट होता है, और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर भी आते हैं। और दोस्तों ये आए हुए हैं हमारे मैरी गोल्ड, तो मैरी गोल्ड के ये फ्लावर काफ़ी बड़े साइज के हैं, और ये प्लांट हमने कटिंग से ग्रो किया है। और ये मधुमालती का प्लांट लगा हुआ है, मधुमालती में अब ये कलियां बनने शुरू हुई हैं। और दोस्तों ये ना हमारा वाइन वाली वैरायटी का प्लांट है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और ये लगा हुआ है हमारा छुई मुई का प्लांट, और अब इसमें ये सीड बन रहे हैं, तो जहाँ भी इसके सीड गिरते हैं वहीं इसमें जो है प्लांट निकल आता है। और ये है हमारा जो है येलो कलर का आलमांडा, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावर आते हैं येलो कलर के, और इस समय इसमें फ्लावर नहीं आए हुए हैं, कुछ दिनों पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आए हुए थे। और ये लगे हुए हैं हमारे मैरी गोल्ड, तो आप देख सकते हैं एक ये है, एक ये ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, और ये है हमारा जो है जाफरी वैरायटी का, इसको भी हमने कटिंग से लगाया है, और इसको भी कटिंग से लगाया है, ये भी हमने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। इनके ना जाफरी वैरायटी के और इस वाले प्लांट के गेंदा के हम एक एक प्लांट लेके आए थे, और फिर हमने उसमें से कटिंग कर कर के ये प्लांट कई प्लांट बना लिए हैं, और काफ़ी अच्छे इसमें आप देख सकते हैं जाफरी वैरायटी में कितने सुंदर फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं, और ये कलियां भी कितनी सारी बन रही हैं। बहुत ही बढ़िया तरह से ये प्लांट चल रहा है, और दोस्तों ये वाला प्लांट भी हमने जो है कटिंग से ही ग्रो किया है, और इनकी कटिंग आसानी से ही चल जाती है। और ये हमारा एक डायंथस का प्लांट लगा हुआ है, और कितने सुंदर इसमें ये फ्लावर खिल रहे हैं। ये बुद्धा प्लांटर में लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसी के पास ये चाइनीज ऑरेंज है, चाइनीज ऑरेंज भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चल रहा है हमारा प्लांट, और कितने सारे चाइनीज ऑरेंज लगे हुए हैं। यहाँ हमने ये बोगनविलिया के दो प्लांट लगा रखे हैं, ये पिंक कलर है और ये क्रीम कलर का, इसमें ये इस तरह के फ्लावर आते हैं। और ये लगे हुए हैं हमारे तीन प्लांट मोगरा के, वैसे मोगरा के प्लांट तो और भी लगे हुए हैं कई जगह, लेकिन यहाँ ये एक साथ रखे हुए हैं तीन प्लांट, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो इनमें भी फ्लावर जैसे ये आ रहे हैं और कलियाँ आती हैं, फ्लावर बनते हैं, और इस तरह से ही इनमें आते हैं, ख़त्म होते हैं। और दोस्तों यहाँ ये कोचिया के दो प्लांट बचे हुए हैं अभी तक हमारे पास, और आप देख सकते हैं इनमें ये सीड बनने भी शुरू हो गए हैं, तो इस बार हम इनके सीड को कलेक्ट करके रख लेंगे, और फिर फरवरी मार्च के महीने में इन्हीं के सीड को फिर हम ग्रो कर देंगे। और दोस्तों यहाँ कुछ हमारे ना इस सब्जियों के प्लांट लगे हुए हैं, ये हरी मिर्ची के प्लांट हैं जिनको हमने घर की मिर्ची से ही, मतलब जो घर में मिर्ची लाते हैं उन्हीं से हमने इनको ग्रो किया था, और इसमें तो आप देख सकते हैं हरी मिर्ची भी आनी शुरू हो गई हैं, काफ़ी अच्छे से प्लांट चल रहा है। और अभी तो जैसे कि दीपावली है, और दीपावली के टाइम पे घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए अभी हमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो दीपावली के बाद हम इनको सब्जियों के पौधों को और फूलों के पौधों को अलग अलग कर देंगे। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये गेंदा खिला हुआ है, ये काफ़ी बड़े साइज़ का फ्लावर है, और इसको हम लेके आए थे नर्सरी से, और इसी की कटिंग ले लेके हमने कई सारे प्लांट बना लिए हैं। और आपको जो अभी दिखाए थे मैरी गोल्ड, तो उसी की ये जाफरी वैरायटी है, तो जाफरी वैरायटी के इसमें से ही हमने कटिंग ले लेके चार पांच प्लांट बनाए हैं, चार पांच प्लांट इस वाले प्लांट के बनाए हैं, मतलब कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है।
गेंदे का प्लांट कोई सी भी वैरायटी हो। और यहाँ हमने ये लगा रखे हैं डहेलिया, तो सीड से ग्रो किए हैं और ये 3-4 इसमें बच रहे हैं, बाकी को तो हमने रिपोर्ट कर दिया है। और अभी भी दोस्तों हमारे गार्डन में ये पर्सलेन के फ्लावर अभी भी खिल रहे हैं, तो जब तक खिल रहे हैं ठीक है, वरना इनको हम निकाल के अलग रख देंगे और फिर इन गमलों में जो है विंटर सीजन के प्लांट हम लगा देंगे। और दोस्तों ये बोवर के फ्लावर तो आप देख रहे हैं, पूरी गर्मी हो सर्दी हो ये खिलते ही रहते हैं और गुच्छे में फ्लावर खिलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और ये हमारे जो है कोलियस के प्लांट लगे हुए हैं, जिनको हमने कटिंग से ही ग्रो किया है, मतलब एक ही पॉट में ये 5 कटिंग लगाई थी और 2-3 दिनों पहले ही हमने इनको अलग अलग करके लगा दिया है। 5 गमले हमारे बन गए हैं कोलियस के, बहुत सुंदर प्लांट होता है कलरफुल पत्तियों वाला। और यहाँ ये हमारे पिटूनिया के फ्लावर लगे हुए हैं, इनको सभी को हमने जो है कटिंग से ग्रो किया है, कटिंग से नहीं सॉरी सीड से ग्रो किया है। और बाद में जो सीड लगाए थे तो वो तो बारिश के कारण हमारे ख़राब हो गए, लेकिन ये हमने पहले लगा दिए थे तो इनमें ये फ्लावर आ रहे हैं और इनमें तो ये सीड पॉड बनने भी शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये सीड पॉड बन रहा है। और इसी के पास ये हमारा मोरैया पेनाकुलाटा का भी प्लांट लगा हुआ है और ये हमारा चांदनी का प्लांट लगा हुआ है, जिसको कि मिनी टगर बोलते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है देखने में, एक पेड़ का लुक देता है, छोटे पेड़ का लुक देता है। और दोस्तों ये हमारा लगा हुआ है एक हिबिस्कस का प्लांट, स्थल कमल का प्लांट। तो नर्सरी वालों ने तो इसे हमें जैसे स्थल कमल करके दिया था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये स्थल कमल नहीं, ये कैनाफ हिबिस्कस है, क्योंकि स्थल कमल के जो फ्लावर हैं वो टिप के ऊपर आते हैं जैसे कि हिबिस्कस के आते हैं, गुड़हल के आते हैं, लेकिन जो कैनाफ हिबिस्कस के फ्लावर हैं साइडों में आते हैं, जैसे ये आ रहे हैं इसके साइडों में फ्लावर आ रहे हैं और मतलब कलियाँ आ रही हैं और ये फूल भी कई खिल रहे हैं और इसकी कटिंग भी आसानी से ही चल जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा गार्डन कैसा लगा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपको अगर हमारा गार्डन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर भी करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तो एक बार फिर से हैप्पी दीपावली, सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते जी, धन्यवाद।